चतरा जिले के हंटरगंज, इटखोरी, पथलगढ़ा समेत कई प्रखंडों की दर्जनों नदियों से बालू की बेतहाशा तस्करी हो रही है। बालू की कमी से ये नदियां कुछ हद तक वीरान सी नजर आती है, लेकिन इस मामले में खनन विभाग ने मौन साध रखा है। देखिए चतरा से हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्जनों नदियों से हो रही बालू की तस्करी, 3 महीने नहीं हो सकता बालू का उठाव। एनजीटी ने लगाया है 3 महीने का प्रतिबंध। बालू उठाव से कोलेश्वरी पुल पर बढ़ा खतरा, धराशायी हो सकता है कोलेश्वरी का पुल। निरंजना नदी पर बना है कोलेश्वरी का पुल। नदी में आप दर्जनों ट्रैक्टर को बालू से लदा देख सकते हैं। हमारे कैमरे को देखकर ये भागने लगे। इनके साथ उनके सैकड़ों लोगों ने भी मैदान छोड़ दिया। ऐसा नजारा आपको यहाँ रोज नजर आ सकता है। दर्जनों ट्रैक्टर एक साथ बालू की लूट में लगे होते हैं। बेतहाशा किया जा रहा है, पॉपलिन से, जेसीबी से डायरेक्ट उठा करके और गाड़ी पर, ट्रक पर लोड किया जाता है। 10 चक्का, 12 चक्का, 14 चक्का, 16 चक्का और रात दिन उठाव हो रहा है। रात के समय में 3 महीने के लिए रोक लगाई जाती है, ये बिल्कुल सब कोई जानता है, फिर भी उत्खनन हो रहा है। इसकी जवाबदेही किसकी हो? प्रशासनिक अधिकारियों का है। हम कहते हैं जब बालू उठ रहे हैं तो ये व्यवस्था में जो लोग है, क्योंकि आम आदमी कहीं भी चिल्लाता है तो कोई उसका सुनता नहीं है। बालू की कमी से हंटरगंज प्रखंड के कोलेश्वरी पहाड़ी का पुल धराशायी होने के कगार पर है। कई नदियां वीरान पड़ गई हैं। वैसे एनजीटी के नियमों के अनुसार जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में नदियों से बालू का उठाव नहीं हो सकता। इस मामले पर खनन पदाधिकारी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है, लेकिन कुछ हद तक गंभीर दिख रहे हैं। तो जो निविदा जो घाट है उससे बालू अभी नदी से नहीं निकालना है, लेकिन जो नदी से निकाल कर जो स्टॉक किया है बालू को बेच सकता है, लेकिन जो निजी काम के लिए जिनको प्रधानमंत्री आवास बनाना है, कहीं मंदिर बनाना है, कहीं मस्जिद बनाना है, जो व्यक्तिगत काम है उसके लिए जिस पंचायत में नदी घाट है बालू का, उसको हम लोग तय कर दिए हैं कि कम से कम सरकारी मापदंड 100 रुपया हो या 200 रुपया हो, कुछ स्लिप मिला लीजिए और टैक्स लीजिए और बालू दीजिए। अब पकड़ धकड़ वाला अभियान बंद कीजिए तो गरीब को परेशान नहीं कर। कभी निरंजना बचाओ आंदोलन चला था, लेकिन समय के साथ सारे आंदोलन रुक गए, लेकिन सैकड़ों घाटों से बालू की तस्करी जारी रही। ऐसे में इस तस्करी पर रोक लगाने की जरूरत है ताकि नदियों का अस्तित्व बरकरार रहे। न्यूज 11 भारत के लिए चतरा से संजय की रिपोर्ट। सहयोगी संजय चतरा से बने हुए हमारे साथ। संजय, जिस तरीके से बालू के अवैध उठाव हो रहे हैं, तस्करी हो रही है बालू की, उससे अब खतरा पुल पर मंडराने लगा है। सिलसिला जारी है और चतरा जिला के अनेक प्रखंडों में इस तरह का अवैध बालू का निकासी चल रहा है। जैसे मैं आपकी चतरा जिला में हंटरगंज हो गया, इटखोरी हो गया, मयूरहंड हो गया, पथलगड्ढा हो गया, इटखोरी हो गया, इन सभी जगह पर अवैध बालू का निकासी चल रहा है और उसको लेकर के है सरकार को लाखों रुपया का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। बालू माफिया जो है इस कदर हावी हो गए हैं कि जिला प्रशासन का उनको तनिक भी डर नहीं है और दिन के उजाले के साथ साथ रात के अंधेरे में भी ये उत्खनन का कार्य जारी है। लेकिन इस पर जो है आला अधिकारी जो है खनन अधिकारी रवि यादव या जो प्रखंड के जो सीओ है उनको ये देख रेख करने का काम मिला है कि अवैध जो उत्खनन हो रहा है उस पर रोक लगाए, लेकिन जो भी अधिकारी वो मीडिया के सामने भी नहीं आना चाहते हैं और पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। और बालू माफिया का हौसला इतना बढ़ गया है कि वो किसी से डरते नहीं हैं, बल्कि दिन के उजाले में भी अवैध बालू का निकासी करते रहते हैं नदी से, और सैकड़ों की तादाद पर ये नहीं है कि एक दो गाड़ी किसी को जरूरत पड़े प्रधानमंत्री आवास या किसी चीज़ की, वहाँ जो है वो बालू का निकासी लगातार जारी है लेकिन अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। आप लोगों के जो ग्रामीण क्षेत्र है लोगों के मन में यही बात सामने आ रहा है कि आखिर बालू माफिया को जिला प्रशासन का डर क्यों नहीं है। कई ग्रामीणों द्वारा हमसे बात किया गया, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि खनन अधिकारी और जो सीओ है
इन लोग के मिली भगत से इस तरह का अवैध बालू का उत्खनन चल रहा है। आप देखना होगा कि सरकार जो है, सरकार इस पर कब संज्ञान लेती है और इन लोग पर कब कार्रवाई होता है, क्योंकि हंटरगंज अगर आप जो सीमावर्ती इलाका हंटरगंज से रोज प्रतिदिन जो है बालू का खेप जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह यहां से बालू ट्रक के द्वारा जा रहा है। और अधिकारी वो सीधे तौर पर कहते हैं कि जो हमको सहयोग नहीं करते हैं, जो भी जहाँ का CEO है, और कई बार हमने अपने से जा करके कई बार नदी किनारे हमने कई बार जा करके गड्ढा करके उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन रुक नहीं रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारियों के लिए। तो बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है लगातार, जो बालू माफिया है वो किसी की नहीं सुनते और नदियों से बालू का तस्करी कर रहे हैं, और अब इस बालू की तस्करी बालू के उठाव की वजह से जो पुल है वो कभी भी धराशायी हो सकते हैं। शुक्रिया संजय जानकारी के लिए।